होता है प्लीज़ मेरा नाम डॉक्टर शीरीन है मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ सिकाइट्री से है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम लैला खिमानी है और मेरा ताल्लुक होम हेल्थ सर्विसेज से है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर सनिया सब्जवारी है मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन से है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर नवीद बलोच और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मेरा ताल्लुक खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्विस से है असलकम मेरा नाम डॉक्टर आतिफ वकार है मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जरियाट्रिक मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ अलैक मेरा नाम लैला अकबर कासम है और मेरा ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मड से है बहुत शुक्रिया uh, मेरे पास पहला सवाल आया है डॉक्टर uh, आतिफ़ मैं आपसे सवाल करती हूँ एक किसी ने मुझसे सवाल ही किया है कि मेरी वालदा जो है उनके दो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनकी उम्र सेवेंटी थ्री ईयर्स है तिहत्तर साल तो आप गाइड करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं यहाँ आने में क्या किया जा सकता है प्लीज़ सबसे पहले तो हॉस्पिटल को फिज़िकली विज़िट करने से हमें अभी परहेज़ करना चाहिए उसकी वजह यह है कि इन्फेक्शन जो है वो ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं उनको जो है ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग सकता है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स टेली क्लिनिक्स ऑफर कर रहे हैं जिसमें आप आराम से घर पे बैठ के अपने डॉक्टर से अपने नर्सिस से क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं कंसल्टेशंस रिसीव कर सकते हैं आ, उसके अलावा डॉक्टर्स नर्सिस फ़िज़िथेरापस्ट वो घर पे भी विज़िट करके वही ट्रीटमेंट प्लान आपको घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर सेफ्टी अभी ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल को मजबूरी में विज़िट किया जाए बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ़ बिल्कुल सही डॉक्टर आतिफ़ ने बताया कि बहुत सारे हॉस्पिटल ने टेली क्लिनिक टेली क्लिनिक शुरू किए और आखान यूनिवर्सिटी ने भी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट किया है इसका नंबर आप प्लीज़ नोट कीजिएगा नाइन ट्रिपल वन नाइन वन वन नाइन वन वन एक एक नौ एक एक नौ एक एक आप इस नंबर पर कॉल करके आप मशवरा कर सकते हैं कि आया आपको आना है नहीं आना है आपके डॉक्टर से फ़ोन पर ही आपको फ़ोन पर ही आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या नहीं बहुत शुक्रिया मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर शरीन से है डॉक्टर <coughs> शरीन पूछा यह गया है कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको एक खौफ सा है कि कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा तो आप क्या समझती हैं कि क्या इनको गाइड करना चाहिए किस तरह से इनको बताएं ताकि उनका ये खौफ कम हो सके कोविड नाइन्टीन का या करोना वायरस लगने का या करोना लगने का जी सो so, uh, आपका सवाल बहुत अहम है अब समझना ये ज़रूरी है कि ये खौफ जो बुज़ुर्ग और उनके अलावा तमाम अफराद महसूस कर रहे हैं ये खौफ फित्सरी और नैचुरल है और इस जो भी आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करें या महसूस कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है एक हद तक खौफ की या इसराब की कैफियत हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है लेकिन अगर खौफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में हमें ज़रूरी है कि हम किसी नफसयाती डॉक्टर से मशवरा लें अच्छा इससे पहले आ, कुछ तदाबीर हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है इनके इन तदाबीर में एक जिसे हम कहते हैं रूटीन को सेट करना मिसाल के तौर पर जाग सोने का जागने का अपनी वर्जिश का नमाज का जो आपका टाइम सोशल आइसोलेशन से पहले था उसी को बरकरार रखिए दूसरा ये कि अपने अजीजों व के साथ रबते में रहें उनसे मेल जोल जारी रखें फिज़िकल डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग के असूलों पर अमल करते हुए तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में मशगूल रखें मिसाल के तौर पर किताबें पढ़ना अखबार पढ़ना या फिर टेलीविज़न के प्रोग्राम्स देखना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मीडिया एक्सपोजर को लिमिट करें सिर्फ और सिर्फ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तक रुजू किया जाए उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सनसनी खबरें देखेंगे तो बहुत ऐसा हो सकता है और ऐसा मुमकिन है कि आप एंजाइटी यानी इस तरह की कैफियत को महसूस करने लगें शुक्रिया और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जहनी परेशानी का बायस बन सकती है इसलिए अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज करें अपने और आजकल तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जब ज़्यादातर लोग आपके घर में बैठे हुए हैं आपके बच्चे हैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या आपके पोता पोती हैं वो आपके साथ ही हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें ताकि आपको परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े एक चीज़ मैं आगे सवाल करने से पहले आपसे कह दूँ कि पहले एक सवाल आया था हॉस्पिटल में आने का तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आखान यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे इकदाम किए जिसमें एक अहम इकदाम में एक अहम चीज़ ये की कि उन्होंने कोशिश की है माहौल को महफूज तरीन बनाया जाए एक वन अटेंडेंट पॉलिसी जिससे कम से कम लोग हॉस्पिटल की तरफ आएं भीड़ कम से कम हो जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के या बीमारी को स्प्रेड होने के कम से कम चांसेस हैं तो आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आप कोशिश आपको ये यकीन दहानी कराई जाती है यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी सेहत का ख़्याल रखें तो ये इसीलिए हमने ये किया है कि आपको कम से कम को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत शुक्रिया डॉक्टर डॉक्टर सनी मैं आपसे अगला सवाल करूँगी <coughs> एक खातून है उजम उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे ये बता सकती हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बुज़ुर्ग अफराद कोविड हो कोविड हो सकता है या करोना वायरस लग सकता है अच्छा उमा थैंक यू आप, आपके सवाल का आ, देखें आ, वैसे तो बुज़ुर्ग लोगों का रिस्क थोड़ा सा वैसे ही ज़्यादा है चूँकि इन्फेक्शन को फाइट करने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है एज के साथ एक तो ये बात है दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ काफ़ी हद तक बुज़ुर्ग उम्र में या, या, इस सिक्सटी एंड अबव की उम्र में Uh, बहुत सारी बीमारियां हम हमारे uh, पाकिस्तान में बहुत पाई जाती हैं जिनमें शुगर है ब्लड प्रेशर है दिल की तकलीफ़ है uh, या सांस की तकलीफ है आज़मा है या स्मोकर्स uh, uh, हैं जो लंबे अरसे से सिगरेट पी रहे हैं उनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं ये चार पांच बीमारियों की वजह से कोविड या कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े तो से बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन का uh, सवियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं हैविंग सेड दैट ज़रूरी ये है कि जो भी घर में ऐसे बुजुर्ग हों जिनको ऐसी बीमारियाँ हों वो जैसे हम सबको मशवरा ये दे रहे हैं कि कोशिश ये करें कि अपनी हैंड uh, हाइजीन यानी हाथ साफ रखना हाथ धो, धोना या हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना uh, लोगों से फिज़िकली डिस्टेंस रखना uh, ऐसी पब्लिक प्लेसेस में मत जाएं जहां पे आपको पता है कि लोग होंगे जहां से बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस हों Um, अगर पॉसिबिलिटी है आपके लिए मास्क अवेलेबल है तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो वरना कोशिश कीजिए कि घर में ही अपने आप को रखिए और अगर पॉसिबल है और आप कोई सेफ़ एरिया है जहाँ पे आप वॉक के लिए निकल सकें वो आप ज़रूर कीजिए लेकिन ये कि ये चीज़ें ज़रूर um, कोशिश कीजिए कि अपनाइए कि हैंड हाइजीन और लोगों से फ़ासला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सारी दवाइयाँ जो इन बीमारियों की हैं जो आपके डॉक्टर ने दी हुई है, हैं उनको छोड़िए मत उनको रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए जैसे आपके डॉक्टर ने मशवरा किया है बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया और वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जो भी बीमारियाँ हैं उनकी दवाएँ बायदगी से लें ताकि जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो मेरा अगला सवाल डॉक्टर नवीद बलोच से है डॉक्टर नवीद एक साहब हैं गुलाम नबी हैदराबाद से उन्होंने सवाल किया है और वो ये पूछ रहे हैं कि उनके उनकी उम्र उन साल है वो पूछ रहे हैं कि वो एथराइट के मरीज़ हैं उनके 28 तारीख को यहाँ अपॉइंटमेंट है खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में तो क्या वो विज़िट कर सकते हैं प्लीज़ शुक्रिया डॉक्टर तो सबसे पहले मैं एक चीज़ जो रिपीट करना चाहूँगा जो बार, बार बार बात कही जाती है जब से ये बात शुरू हुई है कि बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है डॉक्टर सानिया ने कुछ इस पे रोशनी भी डाली और बदकस्मती से जो हड्डियों के मसाइल हैं के शूज हैं जिसमें कंधे की तकलीफ कमर की तकलीफ़ घुटने कूले सब तकलीफ़ ये भी बुज़ुर्गों में ही ज़्यादा कामन है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई भी तकलीफ हड्डियों से रिलेटेड है किसी भी बुज़ुर्ग को जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो, जो हम सोचते हैं कि आया ये कोई ऐसी तकलीफ है जिसकी ट्रीटमेंट को अगर हम देर करें या डिले करें तो उसके नतज पर कोई असर पड़ेगा या इसको सेफली डिले किया जा सकता है तो कुछ तकालीफ जैसे मैं मिसाल दूँ आथराइटिस हो गया घुटनों का आथराइटिस हो गया अगर आपको कहा गया है कि भाई आपके जोड़ इतने ख़राब हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है तो ये ऐसी तकालीफें जो चंद महीने इंतज़ार कर सकती हैं उसकी कोई आउटकम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा हाँ हा, ज़ाहिर बात है आपकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है कुछ तकालीफ ऐसी हो सकती हैं जो कि ख़राब तो नहीं होती लेकिन मरीज़ के लिए तकलीफ देह होती हैं जब तक उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो आ खान में आना सेफ़ है आपकी ज़रूरी अपॉइंटमेंट है तो आप आ सकते हैं बिल्कुल फ़ोन जैसे मेरे कुलिस ने बताया टेली हेल्थ सर्विस अवेलेबल है हमारी सर्विस लाइन भी प्रोवाइड कर रही है आप कॉल करके अपने कंसल्टेंट के थ्रू उनसे टेली हेल्थ के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ आना लाजमी है ज़रूरी है तो आप सेफली आ सकते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ने अपने आप को इस फैसिलिटी को कोशिश करके सेफेस्ट से, से बनाया है ताकि मरीज़ जो है यहाँ सुकून से पुरसकून होकर आएँ कि हाँ मुझे कम से कम चांसेस हैं इन्फेक्शन लगने के और दूसरी गुलाम नबी साहब एक अहम बात यह है कि हम इस वक्त बुज़ुर्गों के हवाले से बात कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं कोविड नाइन्टीन लगने के तो इन श्रा आप आए जैसे आपको कहा है कि ए के यू एच जो है सेफ़ है आप आएँ अगर आपको लगता है कि वाकई आपकी तकलीफ़ ऐसी है कि आपको डॉक्टर को विज़िट करना ही है और जैसे नवीन डॉक्टर नवीन ने बताया कि अगर नहीं तो आप फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि क्या आपको आना चाहिए या नहीं बहुत शुक्रिया आ, मेरा अगला सवाल आ, मिस लैला से है मिस लैला जो मुसलसल एक सवाल आ रहा है कि क्या मैं हॉस्पिटल विज़िट कर सकता हूँ ऑल हम ये कह रहे हैं कि आ, हॉस्पिटल सेफ़ इन्वायरमेंट है बट अगर कोई नहीं आ सकता है तो जैसे आपने बताया कि आपका ताल्लुक होम हेल्थ सर्विस से है तो थोड़ा सा आप हमारे लोगों को बताएंगे कि होम हेल्थ सर्विस से हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को प्लीज़ थैंक यू समीना आपके सवाल के लिए आ, आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल होम हेल्थ सर्विसेज ये सर्विसेज काफ़ी अरसे से अंजाम दे रही है जिसमें उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वजह से कोविड या उससे पहले भी अगर किसी भी वजह से हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए होम हेल्थ सर्विसेज अपने फजिशियंस को अपने नर्सिस को अपने फिजियोथेरेपिस्ट को और डिफरेंट टेक्नीशियंस को घर पर जाकर वही क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इस सिलसिले में हमारे फिजिशियंस घर जाते हैं और उनको फिजिशियन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को और उनके साथ जो भी अगर कोई फार्मेसी की प्रिस्क्रिप्शन है तो वो फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन होम फार्मेसी के थ्रू उनके घर तक डिलीवर की जा सकती है इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को किसी नर्सिंग प्रोसीजर की ज़रूरत है यानी कि कोई आईवी मेडिकेशन है किसी सर्जरी को चेंज करना है लॉन्ग टर्म केयर के पेशेंट्स जिनको एन फीडिंग या एन ट्यूब लगी हुई है उनको इस सर्विसेज को चेंज करना है कैथेटराइजेशन और दूसरी और कोई भी इश्यूज जो उनको है घर पर बैठकर आराम से मुहैया की जाती है फ़ज़िशियंस और नर्सेस के अलावा आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल होम हेल्थ फ़िजियोथेरेपी भी घर पर प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे थेरेपिस्ट घर जाकर फिजियोथेरेपी जो घर पर पॉसिबल हो सकती है प्रोवाइड करते हैं और उनके अलावा जो पालिटिव केयर के पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ के साथ हैं जिनको स्टे इन नर्सिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि कोई अगर वो ये चाहते हैं कि कोई नर्स या नर्सिंग असिस्टेंट 24 घंटे उनके साथ रह के उनको डेली लिविंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करें तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं इससे होता ये है कि उनको अपने हर प्रोसीजर के लिए या फिजिशन कंसल्टेशन के लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मेडिकल केयर उनको उनके घर जाकर प्रोवाइड की जा सकती है बहुत शुक्रिया मिस मिजलम जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक तो हमारे पास होम हेल्थ सर्विस है इसके अलावा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने अपनी एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की है जैसे मैंने आपको बताया इसका नंबर है ट्रिपल वन नाइन वन वन नाइन वन वन एक एक नौ एक एक नौ एक एक आप इस पर फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं कि आया आपको जो है यहाँ आने की ज़रूरत है या आप होम हेल्थ सर्विस के जरिए अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं तो आपके पास एक सहूलत मौजूद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके अलावा इसी सर्विस से बहुत सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर आप ये ना सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन के अगर आप चाहते हैं कि आपकी दवाएं जो कि आप आके अगर नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते हैं तो आप इसी नंबर पे फ़ोन करके और अपनी दवाएं भी घर पे मंगवा सकते हैं अगर आपके कोई लेबॉरेटरी टेस्ट होने हैं जो कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो इसी नंबर पे फ़ोन करके आप अपने घर पे ब्लड कल, ब्लड सैम्पल्स कलेक्शन करवा सकते हैं और इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि आप डॉक्टर्स कंसल्टेसन अपॉइंटमेंट्स इस पर बुक करवा सकते हैं एक सवाल आया है जिसमें अगेन मैं डॉक्टर आतिफ़ से सवाल करूँगी कि किसी ने पूछा है कि क्या डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं कोविड नाइन्टीन लगने के लिए किसी बुजुर्ग अफराद को प्लीज जी समीना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा सवाल है um, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट डिज़ीज़ ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोविड uh, का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़यीफ़ होते हैं उनका रिस्क uh, इस इन्फेक्शन को जो है कंट्रैक्ट करने का बढ़ा हुआ होता है लेकिन इन इन बीमारियों के साथ उनका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनकी इस इन्फेक्शन से लड़ने की जो सिलाहत है वो कमज़ोर हो जाती है इसके अलावा चंद और मेडिकल कंडीशन हैं जिसके अंदर उनका रिस्क कोरोना वायरस कंट्रैक्ट करने का बढ़ जाता है उसमें कैंसर के मरीज हैं जिगर के मरीज़ गुर्दों के मरीज़ ख़ास तौर पर मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर हैं ये सारे वो मरीज हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस कंट्रैक्ट करने का रिस्क ज़्यादा होता है मैं हम मसलसल बहुत सारे सवाल कर रहे हैं जिसमें कि बुज़ुर्ग अफराद की नगहदाश के हवाले से बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में नगहदाश्त या हॉस्पिटल नर्स या डॉक्टर के हवाले से एक सवाल मैं इस लल कासम से करना चाहूँगी कि एज़ अ फैमिली केयर गिवर एज़ ए इन्फॉर्मल केयर गिवर क्या किया जा सकता है बुज़ुर्ग अफराद की जैसे वालदे हैं सासुर हैं नाना नानी ना, दादा दादी हैं तो उनकी नगहदाश्त के लिए ऐज़ अ फैमिली केयरगीवर हम क्या कर सकते हैं प्लीज़ बहुत शुक्रिया समीना आ, अगर हमारे घर के अंदर अगर कोई ऐसे बुज़ुर्ग अफराद हैं तो उनका हम इस तरीके से बीइंग अ केयर गिवर हम इस तरीके से ख़्याल रख सकते हैं कि हमें तो आ, सबसे पहले तो ये है कि हा, अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धोना है 20 सेकंड तक के लिए धोना है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा ये जो हम बार बार जो है आ, हम सब ने जैसे कि एम्फिसाइज़ किया और मीडिया पर भी जो है वो हम बार बार देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन रखनी है उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो है आ, हमें आ, अपनी फिज़िकल हाइजीन जिसमें रोज़ नहाना क्योंकि जितना हम अपना अपने फ़िज़िकल हाइजीन का ख़्याल रखेंगे इतना जो है वो बुज़ुर्ग अफरा जो है वो अपन इन्फेक्शन से जो है वो आ, दूर रहेंगे इसी के साथ साथ बीइंग अ केयर गिवर आ, हम अपने बुज़ुर्ग अफराद का या जो घर के जो वालदे हैं उनकी हमें ग़ा का तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमें इन्हें सेहत से भरपूर और सेहतमंद ग़ा देनी है और उन्हें जो है वो नींद भी मुकम्मल तौर पर लेनी चाहिए कम अज़ कम आठ घंटे की नींद ज़रूर लें और जो है वो अगर मिसाल के तौर पर अगर रात को अगर मुकम्मल नींद लेनी है तो फिर दिन में जो है वो थोड़ा सा सोने से गुरेज करें ताकि रात को जो है वो मुकम्मल तौर पर और अच्छे तरीके से वो नींद ले सकें और सोने से पहले जो है वो कम से कम चार से छः घंटे पहले जो है वो चाय या कॉफ़ी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर दें तो ये जो है बुज़ुर्ग अफराद के जो जो ख़्याल रखते हैं जो केयर गिवर्स हैं तो उन्हें इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए जैसे कि मैंने ये कहा कि इनकी ग़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए तो झज़ा के साथ साथ पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो पानी और जो है वो ग़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और जो भी फल या सब्ज़ी हम खरीद कर लाते हैं उसको अच्छी तरीके से धोएँ साफ़ पानी से धोएं और इसके बाद इस्तेमाल करें सो so, ये तमाम जो तदाबीर जो है वो तमाम केयरगिवर जो जिनके घर के अंदर जो बुजुर्ग अफराद हैं जो उम्र रसीद अफराद हैं उन्हें ये तमाम पता होनी चाहिए ताकि वो जो है वो अपने घर के वालदान का जो है वो ख़ास पर ख्याल रख सकें बहुत शुक्रिया मिस एक सवाल मैं चाहूँगी कि आपसे या डॉक्टर सनिया या डॉक्टर आतिफ आप में से दोनों में से कोई ये दे कि हमने रिस्क फैक्टर की बात की है लेकिन क्या ऐसी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं हाइपरटेंशन की बात की हमने ब्लड प्रेशर हमने जो है डायबिटीज़ की बात की तो उसमें होता क्या है डॉक्टर आतिफ़ जिसम के साथ या इंसान के साथ जिसकी वजह से वो शख्स जो है रिस्क पे है प्लीज़ जी आ, समीना दरअसल अगर हम बात करें ना उनके फेपड़ों के मसाइल की तो क्योंकि ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर भी इसी तरीके से करता है नाक से मुंह से और जब ये अटैक करता है और इसकी अटैक की सीवियरिटी बढ़ती है तो अमूमन हमारे पेशेंट्स को नमोनिया सिवियर नमोनिया होता है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है उसके अलावा हमारा जो हार्ट है हमारे लंग्स वो आपस में बहुत ही टाइटली कनेक्टेड होते हैं एक के ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से दूसरे को वो स्ट्रेस शेयर करना पड़ता है वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं कैंसर के जो मरीज़ होते हैं वो ऑलरेडी उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है तो उनके उनकी बॉडी के अंदर मामूली सा भी इन्फेक्शन हो उससे लड़ने की सिलाहियत कमज़ोर हो जाती है तो वो इसकी जो अटैक uh, है उसको वो सस्टेन uh, नहीं कर सकते डायबिटीज़ के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो शुगर जो है वो सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करता है जिसकी वजह से वो बॉडीज के ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ़ मेरा अगला सवाल डॉक्टर नवीद बलोच से है और ये साहब है जिन्होंने पूछा है कि अहमद अहमद सयानी इनका नाम है उन्होंने पूछा है कि उन, उनकी उम्र तिरसठ साल की है और उनकी जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर नहीं जाना देते हैं और ये ख़ुद डायबिटिक हैं वो चाहते हैं बाहर आधे घंटे के लिए भी कम से कम वॉक करें लेकिन उनके बच्चे जाने नहीं देते हैं तो आप क्या मशवरा देंगे अहमद सयानी साहब को या इनके बच्चों को जी डॉक्टर मैं काफ़ी अहम सवाल है जैसे मेरे दूसरे कुली ने बताया कि दुनिया भर में बुज़ुर्गों को एक तरह से आइसोलेशन का मशवरा दिया गया है क्योंकि उनके लिए बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है अब आइसोलेशन से बीमारी से तो बच रहे हैं इससे जो कि जानलेवा हो सकती है लेकिन कुछ और मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसमें सबसे इम्पॉटेंट है मोबिलिटी या उनकी मूवमेंट कम हो जाना घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो ऑबसली उनके केयरगिवर्स को या जो भी लोग उनसे ताल्लुक़ में हैं करीब हैं एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए इन चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लिमिटेड और एक एडिकुट फ़िज़िकल एक्टिविटी वो मेंटेन रखें अपनी अब वो फ़िज़िकल एक्टिविटी घर के कामों के हवाले से भी हो सकती है उसमें इन्वॉल्व हों या जितना पहले करते थे वो करें दूसरी बाहर नहीं जा रहे तो फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट कोई विगोर्स एक्सरसाइज ऑब्वियसली स्टेज में नहीं होती हर किसी के अपना प्रोटोकॉल भी बना हुआ हो सकता है जो रिकमेंडेड है कम minutes, uh, से कम 30 मिनट हफ्ते में तीन से चार बार uh, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज की जाए डिफरेंट तरह की जैसे मैंने पहले कहा कि वो घर के कामों में एक इन्वॉलमेंट भी हो सकती है या कोई और डिज़ाइन भी हो सकता है एक्सरसाइज का एंड एंड ऑबियसली डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंट में ये तो नहीं इंक्रेज करूँगा कि बाहर जाएँ एंड पार्क में चलें क्योंकि अक्सर पार्क भी आजकल बंद हैं uh, लेकिन इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मेनटेन रहे तो अदरवाइज़ और भी प्रॉब्लम उसमें जन्म ले सकते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद और जैसे कि बताया कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप बाहर जाएँ क्योंकि बाहर जाने से खुदा नखास्त तक कहीं अगर आपको आ, या वालदेन को जो है चांस है इन्फेक्शन लगने का तो डॉक्टर नवीद ने बहुत अच्छा कहा फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करें और घर के अंदर ही अगर वो कोशिश करें आपके वालदेन या आप ख़ुद जो अगर अपनी बात कर रहे हैं तो घर के अंदर ही वॉक करें ये ना है कि वॉक सिर्फ बाहर ही होती है घर के अंदर भी हो सकती है तो मेहरबानी करके अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं डॉक्टर शरीन आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी जैसे हमने पहले भी बात की कि बुज़ुर्ग अफराद या इनके बच्चे बहुत खौफ ज़िंदा हैं कि भाई हमारे वालदेन को या हमें यह लग जाएगा तो आप मेंटल हेल्थ आस्पेक्ट से कुछ ऐड करेंगी इसी सवाल पर जी मैं इनफैक्ट डॉक्टर आतिफ़ और डॉक्टर नवीद ने जो दो बातें कही हैं उन दोनों वो बातों को इसी गुफ्तु के साथ लिंक करना चाहूँगी सो so, बहुत ज़रूरी ये है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ताल्लुक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी है हम लोग ये नहीं समझते कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी है लेकिन तहकीक से ये बात साबित हुई है कि आपकी कुत मुदाफ़त यानी आपकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें अब स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीक़े हैं जिनमें एक बहुत मुफीद तरीका वर्जिश है बुज़ुर्ग अफराद हल्की फुल्की वर्जिश आ, दिन के अंदर अगर अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ वो बेहतर महसूस करेंगे बल्कि वो उनकी आ, एक तरह से उनकी सेहत जो है उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी और जहनी तौर पे भी वो हर्शाश पशाश रहेंगे अच्छा जहाँ तक एंग्जाइटी का ताल्लुक है एंग्जायटी यानी जो खौफ की कैफियत है वो बहुत आ, जैसे कहते हैं कि बहुत फितरी अमल है बहुत ज़्यादा नेचुरल है और उस एंग्जायटी में कुछ चीज़ें हैं जो हम जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बस में या हमारे काबू में नहीं हैं सो so, उन चीज़ों पे डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जिन चीज़ों पे हम अपना कंट्रोल रखते हैं अगर हम उन पे फ़ोकस करना शुरू करें और पॉजिटिव्स पे फोकस करना शुरू करें तो हम हमारे लिए इस चैलेंज से गुज़रना ज़्यादा आसान हो जाएगा बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरीन और वाकई इस वक्त हम सबको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगी पुरसकून गुजार सकें इस कोविड नाइन्टीन पीरियड में डॉक्टर सनिया मेरे मेरा आपसे एक सवाल है अफजार साहब ने सवाल किया है कि उनके तीन माह के बच्चे के साथ क्या उनके वालदे खेल सकते हैं या वो बच्चा उनके वालदेन के पास जा सकता है जी साहब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है चूँकि इसमें दो तीन चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है एक तो ये है कि अगर पूरी फैमिली घर पे है और होम बाउंड है चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन है तो फिर मेरा ख़्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है प्रोवाइडेड वही है कि जो आपको सबको अब तो अब तक सबको पता चल गया है कि हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है बच्चे के साथ अगर आपने फिज़िकल कांटेक्ट रखना है सिर्फ उनको गोद में उठाया क्या अगर बच्चा भी घर पे है वालदेन भी घर पे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी सब घर पे हैं तो देन आई थिंक कोई इतना uh, उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए लेकिन इस दौरान में आपने ये ज़रूर एहतियात रखनी है कि हैंड वॉशिंग सबकी हो सो uh, so, वाले की ग्रैंड पेरेंट्स की वो बार बार अपने हाथ जितना धो सकते हैं वही बीस सेकेंड से जैसे लैला ने कहा था बीस सेकेंड तक हाथ धोएँ और मेनटेन करें अगर घर में कोई ऐसे अफराद हैं जो घर से बाहर जाते हैं फॉर वर्क काम के लिए अपनी ड्यूटी करने के लिए तो और घर में लोग बाहर जा के फिर अंदर आ रहे हैं तो उसमें फिर चूँकि हमें ये पता है कि बुज़ुर्गों का रिस्क कोविड का ज़्यादा होता है तो मे बी उन लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से क्योंकि बच्चा जो है वो साइलेंट कैरियर भी हो सकता है कोविड नाइन्टीन का करोना का तो उस, उस वजह से पॉसिबिलिटी है कि बच्चे के थ्रू जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनको इन्फेक्शन हो सकती है Uh, तो अगर घर से बाहर लोग जा रहे हैं या घर के अंदर और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर डिस्टेंस मेंटेन करना ज़्यादा सेफ़ होगा उसमें ऑप्शन ये हैं कि आप यू नो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर कर सकते हैं कि uh, जो ग्रैंडफादर हैं वो वीडियो लिंक से या उससे बेबी को देख लें बच्चे को देख लें बड़े बच्चों के साथ बात कर लें ताकि वो इंगेज ज़रूर रहें उनको एक सेंस ऑफ आइसोलेशन ना हो लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंस अपना मेंटेन रखें या थोड़ा सा दूर बैठ के जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं एक से दो मीटर के फासले एक्सक्यूज़ मी फ़ासले पे बैठ के कर लें गुफ्तगू से इंगेज कर लें वो ठीक है लेकिन ये कि गोद में ना उठाएँ और करीब ना रखें उसको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया और बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम लॉकडाउन की बात करें अगर वो टिपिकल लॉकडाउन में अगर सारे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं डॉक्टर सनिया ने बताया लेकिन अगर वो कोई बच्चा है या कोई भी शख्स है जो बाहर से आ रहा है तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो जो बताया गया कि हाथ धोना मास्क पहनना अब कपड़े ऐसा ना हो कि बाहर से आके बदले नहीं हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हम बाहर से कोई एज अ कैरियर या कोई जरासीम अपने साथ ले आए और घर में चाहे वो हम बुज़ुर्ग अफराद की बात करें हम किसी को भी वो दे सकते हैं तो इस इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है uh, मिस दोनों लैला मिस लैला खिमानी और मिस लैला कासिम आप दोनों से मेरा सवाल है कि बहुत सारे केयरगिवर्स जो कि ओल्ड एज होम्स में काम कर रहे हैं उनके लिए आप लोग कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ देंगे नस्ला रखानी जी आ, जो लोग ओल्ड एज होम में काम कर रहे हैं केयर गिवर्स के तौर पर उनके लिए वो तमाम एहतियाती तदाबीर उतनी ही ज़रूरी हैं जो एहतियाती तदबीर या जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम हॉस्पिटल के अंदर केयर प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं सो जितने भी आ, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं वो एहतियाती तदबीर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं जो कि रेकमेंडेड हैं यानी हैंड वॉशिंग सोशल डिस्टेंसिंग uh, uh, और अगर उनको केयर के लिए uh, एक uh, मुना uh, फ़ासले से नज़दीक जाना पड़ता है तो दे आर यूजिंग मास्क और उसके अलावा अगर वो ऐसे किसी काम के अंदर हैं जैसे अगर हाइजीन केयर कर रहे हैं या कोई और ऐसा केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उनको पेशेंट के बहुत नज़दीक होना होता है और अगर वो पेशेंट सस्पेक्ट हैं तो दे आर वेयरिंग द कम्प्लीट पी पी ई गेयर विच इंक्लूड्स गाउंस Surgical mask, gloves and if required hand रिक्वायर्ड uh, hand बैड बेर एज वेल तो ये जो तमाम पी पी ई है वो उन केयर गिवर्स को भी पहनना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए जो एल्डरली केयर होम्स में या सीनियर सिटीज़न होम्स में ड्यूटीज़ कर रहे हैं और uh, seniors को care provide कर रहे हैं बहुत शुक्रिया है, मिस इसका आपको कुछ ऐड करना है थैंक यू सबीना मैं लैला की बात के अंदर थोड़ी सी चीज़ें uh, uh, थोड़ी सी बातों का मैं इजाफा करूँगी वो ये कि जैसे लैला ने जो है वो एम्पसाइज़ किया कि आ, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का ख्या, ख्याल रखना ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है आ, और आ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद की जो है वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है ठीक है तो इसके लिए हमें आ, द, बहुत अच्छी डाइट का और ये हैंड वॉशिंग तमाम चीज़ों का ख्याल रखने के साथ साथ हमें फ़िज़िकल इन्वायरमेंट को भी जो है वो बहुत साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है चाहे वो बुज़ुर्ग अफराद हमारे घर के अंदर रहते हों या चाहे वो किसी शेल्टर होम में या किसी ओल्ड एज होम में रहते हों तो वहाँ पर ओल्ड एज होम की सफ़ाई और सुथराई का खास तौर पे ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवरी डे जो है वो आ, वहाँ पर की सफाई होना ज़रूरी है फ़्लोर के ऊपर जो है वो सर्फ़ या किसी डिटर्जेंट आ, और पानी के साथ जो है वो आ, क्लीन होना लाजमी है और अगर मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर कोई बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनको के जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया है तो फिर फ्लोर्स को वहाँ के वॉशरूम्स या बाथरूम्स को वहाँ के टैब्स को सिंक्स को या बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली टच्ड जो एरियाज हैं जैसे कि टेबल्स हो गए या किचन कॉर्नर्स हो गए या किचन टॉप्स हो गए हमारे डोर हैंडल्स हो गए नॉब्स हो गए स्विचेज़ हो गए टी वी के जो रिमोट कंट्रोल्स हैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम जितना फिज़िकल हाइजीन और इन्वामेंटल हाइजीन का जितना हम ज़्यादा ख्याल रखेंगे इतना जो है वो हम बुज़ुर्ग अफराद को जो है कोरोना वायरस को लगने से हम बहुत हद तक बचा सकते हैं बहुत शुक्रिया मिस लैला इसमें कुछ मैं मज़ीद यूँ ऐड करूँगी कि कुछ ओल्ड एज होम्स के साथ मेरा ताल्लुक़ भी है जिसमें उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब ये कि उनके जो केयर गिवर्स हैं उन उन उनको उन्होंने कहा कि आप यहीं ठहर जाएं यहीं रुक जाएं हफ्ते दो हफ़्ते के बाद वो घर विज़िट करते हैं ताकि क्या है कि वो रोज़ाना अगर आना जाना करते हैं तो ज़ाहिर है एक बंदा मैं अगर जा रही हूँ ओल्ड एज होम में अपनी अपने काम से दोबारा घर जाऊँगी आऊँगी अपनी दूसरी शिफ्ट में तो यकिन अपने साथ कोई ना कोई जरासीम को साथ ले आऊँगी तो कोशिश ये की जाती है कि उनको एक तरह से लॉकडाउन में ही रखा जाए दूसरा ये क्या जा सकता है कि चूंकि वो ओल्ड एज होम्स हैं उनके बच्चे उनसे मिलने आने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी कम से कम विज़िटर्स एंट्री रखें क्योंकि वही जितनी आप आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर देखा भी होगा ओल्ड एज होम्स कोई बहुत बड़े बड़ी जगह नहीं होती है छोटे 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 घरों में अगर बनाए हुए चार पांच कमरों के छः सात कमरों के ओल्ड एज होम्स हैं उसमें जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं उसके अलावा अगर उनके विज़िटर भी आ रहे हैं तो वही भीड़ होगी भीड़ होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो विज़िटर्स एंट्री इस वक्त अगर बंद कर दी जाए अगर उनको ज़ाहिर बुज़ुर्ग अफराद को लगता है कि उनको उनके उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनसे मिलना है तो आप इनसे कोशिश करें कि व्हाट्सअप कॉल करवाएं, उनसे बात करवाएं, ताकि कम से कम वो उनकी शक्ल देख सकें उनसे बात कर सकें उनको ये महसूस ना हो कि वो बिल्कुल अकेले हो गए लेकिन कोशिश करें कि इनको कम से कम भीड़ से ज़्यादा से भीड़ से बचाएँ कम से कम लोगों में रखें और उनके जो केयरगिवर्स हैं वो भी अगर कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं उसके बाद घर जाएं इस आसान नहीं है ये लेकिन ये इस वक्त में हमें छोटी छोटी ऐसी तदाबीर करनी पड़ेगी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि हम अपने बुजुर्ग अफराद को बचा सकते हैं मेरा अगला सवाल लैला से है लैला एक साहब जिन्होंने कहा कि वो ख़ुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो वीकली जो है बुज़ुर्ग अफराद की फिजोथेरेपी करवाने करने के लिए जाते हैं उनके पास तो वो क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे कि वो उन लोगों को कोविड से बचा सकते हैं प्लीज़ बहुत ही अहम सवाल है समीना आ, उन तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए जो लोगों के घरों में जा सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये इनतहाई ज़रूरी है कि वो अपने पी पी एनि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत ख़्याल रखें क्योंकि फिजियोथेरेपी के सेशन के दौरान ऐसे कई लम्हात आते हैं जब फिज को पेशेंट के बहुत नज़दीक होना होता है पैसिव एक्सरसाइजि के दौरान तो इसलिए उन्हें ये लाजम है कि वो तीन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें पहनने का जिनमें से पहला है गाउन दूसरा है सर्जिकल मास्क और तीसरा है ग्लव्स इन तीनों को पहनने के बाद वो अपनी थेरेपी सेशन को अंजाम दें और जैसे ही वो उस पेशेंट के घर से निकल रहे हैं उस दौरान वो तमाम गेयर्स उन्हें उतार के प्लास्टिक बिन में डालना है उसको टाई करना है अपने हैंड को अच्छी तरीके से सोपन वाटर से वॉश करना है या हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है और जो बिन है उसको उन्हें इंसनरेट करने की ज़रूरत है अगर वो एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के घर जा रहे हैं सो फॉर ईच एवरी न्यू पेशेंट उनको ये पी पी ये गेयर्स यानी जो कि गाउन मास्क और ग्लव्स हैं नया फ्रेश पैर उनको यूज़ करना है और विद एवरी पेशेंट दे हैव टू चेंज इट फॉर ऑल दी होम हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे हमारे आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के फिजिशियंस अगर पेशेंट के घर जा रहे हैं नर्सेस जा रही हैं थेरेपिस्ट जा रही हैं दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम गाइडलाइन हर मरीज़ को केयर uh, देने से पहले हाथ धोकर वो ये पी पहनते हैं यानी गाउन मास्क और ग्लव्स और कैर देने के बाद वो उसको उतार के सही तरीके से डिस्पोज करते हैं और अपने हाथों को साफ करते हैं और दोबारा दूसरे पेशेंट की तरफ़ जाते हैं ये अमर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक मरीज़ को के इन्फेक्शन को दूसरे मरीजों से पहुँचाने के लिए रोकता है और न सिर्फ ये मरीज़ से मरीज़ के इन्फेक्शन को रोकता है बल्कि मरीज़ से हेल्थ खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल ख़ुद को भी अपने आप को बचाना होता है ताकि न मरीज से हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्फेक्ट हो और न हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मरीज इन्फेक्ट हो सॉरी जी uh, इसमें आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए आई थिंक इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट कि और जो ऑडियंस जो सुन रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि जो घर में आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट या नर्स या कोई भी आ रहा है अगर घर में कोई किसी भी फ़र्द को उस वक्त खांसी हुई है तो उनको आप अंदर ना बुलाएं उनसे कहें कि वो रुक जाएं ना आए बिकॉज आपकी वजह से किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी इन्फेक्शन लग सकती है मास्क अगर उन्होंने पहना भी हो मास्क 100 परसेंट सेफ़ नहीं होता मास्क सिर्फ रिस्क को कम करने के लिए होता है हैंड हाइजीन भी रिस्क को कम करती है लेकिन हम सौ फ़ीसदी इन मेजर्स को ले हम नहीं कह सकते कि हमने हंड्रेड परसेंट यकीन कह दिया कि इन्फेक्शन नहीं होगी तो अगर किसी घर में जो हेल्थ केयर वर्कर जा रहा है अगर उन घर के अफराद में से किसी को खांसी या नया बुखार हो या सांस में तकलीफ़ हो तो वो उनको उस दिन कम अज़ कम कहें कि अंदर घर में दाखिल ना हो जो फैमिली मेम्बर जिनको है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर ऐसी सर्विसेज को रिज़्यूम करें ताकि उनकी वजह से बीमारी और लोगों को ना फैले बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनी इसमें इसी हवाले से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एकेयूएच यू एच की या खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की टेली टेली स्क्रीनिंग के हवाले से कुछ बता सकती हैं कि ऐसे जो मरीज़ जो जिनको अगर फ्लू है खान, या नज़ला बुखार है वो आ नहीं सकते हैं तो क्या किया जा सकता है खान एक्चुअली शुरू में जो कोविड आया था अबाउट फोर सिक्स वीक्स को तो उस वक्त हम वर ओपन टू द पब्लिक एंड एंड एवरी वन बेसिकली लेकिन बीच में फिर क्या हुआ कि हमने कुछ अर्से के लिए जब तक हमने प्लानिंग अपनी पूरी मुकम्मल नहीं की हमने पब्लिक के लिए सर्विस बंद कर दी थी अभी दो दिन पहले ही ये दोबारा शुरू हुआ है सेटअप जहाँ पर पब्लिक कैन एक्चुअली कम और उनकी टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हो सकती है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं स्क्रीनिंग इस वक्त हम कर रहे हैं इस तरह से स्क्रीनिंग में बेसिकली हम सवाल जवाब पूछते हैं पेशेंट से और वो स्क्रीनिंग का भी अपॉइंटमेंट सिस्टम भी हमने रखा है कि पेशेंट अपने घर बैठे हुए फ़ोन कॉल करके एक डॉक्टर से जो डॉक्टर जो वो डॉक्टर्स जो कोविड के पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग है कोविड की बीमारी या कोरोना की बीमारी की वो फ़ोन पे एट अ सेफ़ डिस्टेंस आपसे पूरी तफसल पूछते हैं आपके सिम्टम्स की के बुखार खांसी जो भी और सिम्टम्स हैं आपकी बाकी इलनेसेस के बारे में भी पूछते हैं और फिर वो डिसाइड करता है डॉक्टर बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडलाइंस एंड एल्गोरिथम्स कि जी आपको टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं अगर डॉक्टर को लगा कि टेस्ट की ज़रूरत है तो uh, फिर डॉक्टर जो है वो uh, आपको अपॉइंटमेंट uh, के थ्रू आपको यहाँ पे फिज़िकली फिर आना होगा टेस्ट करवाने के लिए स्क्रीनिंग का जो आ, अमल है वो अमल फ्री है आ, टेस्ट के लिए टेस्ट फ्री नहीं है टेस्ट के पैसे हैं और टेस्ट के लिए फ़िज़िकली आना पड़ता है स्क्रीनिंग हम फोन पे कर रहे हैं सो so, वो नाव अलहमदिल्ला दैट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक एंड लोग कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके उनकी स्क्रीनिंग होती है सुबह नौ से फाइव ओ के टाइमिंग्स हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया और टेलीस्क्रीनिंग के हवाले से आपने देखा कि आप फ़ोन करके नंबर जो आपको बताया हमारी जो है वेबसाइट पे भी आ, आ, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा उस नंबर पे आप फ़ोन करके अपनी टेली स्क्रीनिंग करवा सकते हैं और इसी से आगे एक सवाल है डॉक्टर आतिफ से मेरा कि एक सवाल आया है कि आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आइसोलेशन के हवाले से क्या इकदाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फेयर ज़ाहिर किया है क्यों उनको बहुत परेशानी है कि अगर खुदा खास्ता इनको अपने वालदेन को आइसोलेशन में भेजना पड़ा तो यहाँ आपके पास क्या आ, ऐसे अपने स्टेप्स लिए हैं ताकि उनको बचाया जा सके जी। क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है उसकी वजह ये है कि अगर ख़ुदा न खास्ता किसी पेशेंट को कोरोना वायरस आता है आ, या कोरोना वायरस का सस्पेशन है तो उनके लिए ख़ास वार्ड्स यहाँ पे सेटअप किए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिसके अंदर हम उसको आ, नेगेटिव प्रेशर रूम्स बोलते हैं ताकि जो है वो जो जरासीम हैं वो उस रूम से बाहर ना जा सकें और जो स्टाफ अंदर उन पेशेंट्स की केयर करते हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं वो आ, सारे इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं जिसको एन नाइन्टी फ़ाइव कहते हैं गॉगल्स फेस शीट आ, फेस शील्ड और गाउन्स जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे यूज़ करते हैं उन आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर ताकि उन पेशेंट्स की बेहतरीन तरीके से केयर किया जा सके और उसका ट्रांसमिशन का रिस्क उसको हम मिटिगेट कर सकें जी पॉइंट ये भी है कि तमाम हॉस्पिटल के वो एरियाज़ चाहे वो सीसी हो या दूसरी बिल्डिंग्स हो और उसके अलावा तमाम मेडिकल सेंटर्स जो अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल हैं उन तमाम एरियाज में स्क्रीनिंग अवेलेबल है जो कि वर्बल स्क्रीनिंग होती है अगर आप किसी भी और वजह से आखान हॉस्पिटल में क्लिफ्टन मेडिकल सर्विसेज में या किसी भी और मेडिकल सेंटर में जा रहे हैं तो बाहर गेट पर भरी वर्बल स्क्रीनिंग आ, का सिलसिला मौजूद है जो आपकी शनाख्त कर सकता है कि डू यू रियली नीड टू गो थ्रू द टेली कॉन्सल्टे या आप अपने नॉर्मल कॉन्सल्टे को कंटिन्यू कर सकते हैं जी बहुत शुक्रिया मिस लैला आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई और स्क्रीनिंग के हवाले से एक जो पहले डॉक्टर सनिया ने बात बताई थी कि टेली स्क्रीनिंग फ्री है कि अगर आपने फ़ोन करके ये मालूम करवाया कि क्या मुझे करोना वायरस के चांसेस हैं वो बिल्कुल फ्री है लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं आपको आके अपना आ, मुआयना करवाना पड़ेगा जो सेकंड स्टेप है और उसके चार्जेज़ हैं मगर अगर कोई ऐसा शख्स है जो पे नहीं कर सकता है तो उनके लिए आ, हमारे यहाँ सहूलत ये मौजूद है कि आ, आपको जो पेशेंट वेलफेयर जो हमारी एक डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आपको चार्जेज उससे भी उसके भी फ़्री किए जा सकते हैं जकवात और वो फ़ंड हमारे ज़कवा़त और डोनेशन से आ रहे होते हैं आपको जब आप हमारा नंबर डायल करेंगे हेल्पलाइन नंबर वहाँ से आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप जो है आपको पेशेंट वेलफेयर को डायरेक्ट किया जाएगा और वो आपको मज़ीद बताएँगे कि आया आप खुदान खवास्तः हकदार हैं तो आपको जो है फ्री टेस्ट करवाया जाएगा ये नहीं है कि जिनके अगर चार्जेस हैं और जो नहीं कर सकते हैं तो वो घर पर बैठ जाएं आप प्लीज़ अगर आपको लगता है आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको टेस्ट करवाना है आप अगर नहीं आपके पास इतने वसाइल हैं तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ये भी जान सकते हैं कि क्या यहाँ आपको ये टेस्ट फ्री करवाया कर जा सकता नहीं और वही हमारी हेल्पलाइन के ज़रिए आपको बताया जाएगा और एक और सवाल है डॉक्टर सनिया मैं आपसे पूछ लूँ या कोई और भी अगर जवाब देना चाहे किसी ने सवाल किया इनके कि यूके में हैं और क्या वो पाकिस्तान आ सकते हैं अच्छा अगर तो कोई चार्टर्ड फ़्लाइट अवेलेबल है देखें पहली चीज़ ये है कि इट इट रियली डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है अगर वो यूके um, में सेफली अपने घर में हैं या क्लोज़ फ़ैमिली के साथ हैं और कंफर्टेबल हैं तो ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है अगर ख़ुदा न खासा एक्चुअल नीड है कि उनको आने की ज़रूरत है मिसाल के तौर पे उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं या कोई और मेडिकल इशू है जिसकी वजह से उनको आना है और वहाँ पे वो सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते तो आई थिंक वो तो चार्टड फ्लाइट्स वग़ैरह का तो वो आपको खुद अंदाज़ा होगा जो आ रही हैं नहीं आ रही हैं उसमें फिर ये कि अगर एब्सोल्युटली असेंशल है कि आपको वापस आना है तो फिर उसमें ये कि आप आएँ लेकिन वही प्रिकॉशंस आपको करनी पड़ेंगी फॉलो Uh, अगर आपको एट दैट पॉइंट इन टाइम खांसी या बुखार है तो कोशिश करें कि मत ट्रैवल करें अगर ये सब नहीं है और वैसे आप अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं तो फिर आप ट्रैवल करें विद दी अंडरस्टैंडिंग कि आप और लोगों के साथ क्लोज स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपका रिस्क जो है ना ट्रैवल के दौरान बढ़ जाता है इन्फेक्शन एक्वायर uh, करने का या इन्फेक्शन हो जाने का रिस्क बढ़ जाता है अगेन अगर आप ट्रैवल बेहद ज़रूरी है करेंगे उसमें फिर यही है कि आपको मास्क ग्लव्स हैंड सैनिटाइज़र हैंड वॉशिंग करें लेकिन रिस्क आपका बढ़ेगा बिकॉज क्लोज स्पेस में आपको पता है एक ही जहाज़ में सब सांस ले रहे होते हैं करीब करीब लोग बैठे होंगे तो रिस्क तो बढ़ जाएगा uh, पाकिस्तान में एज इन अदर कंट्रीज़ उन्होंने पॉलिसी तो ये बनाई है कि भी आते के साथ ही आपको चेक किया जाएगा आपके टेस्ट होंगे टेस्ट के बाद ही आपको रिलीज़ किया जाएगा वो तो सब आपको फॉलो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन करना पड़ेगा लेकिन अगर पॉसिबल है कि आप वहीं सेफली रुक सकते हैं तो बेहतर है कि आप कुछ दिन और रुक जाएं अगर पॉसिबल है तो जी बहुत शुक्रिया एक और मैं आपसे सवाल करूंगी अगर वो आते हैं कि उनका आना बहुत ज़्यादा लाजमी है तो क्या उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा अपने आपको देखिए माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि टेस्ट uh, पहले होगा जैसे ही वो लैंड करेंगे उनका बुखार और उनके सिम्टम्स उनसे पूछे जाएंगे और उनका टेस्ट होगा जब टेस्ट जब होता है तो या तो डिपेंडिंग ऑन अगर बुखार है तो वो तो गवर्नमेंट फिर ख़ुद उनको आइसोलेट कर देती है ठीक है अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो उनका टेस्ट फिर भी होगा चूंकि बाहर से आए हैं ट्रैवल कर रहे हैं टेस्ट होगा और उनको उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा जब तक कि उनका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता एंड पॉसिबली फॉर फोटीन डेज़ टोटल क्वारंटीन शुरू में आइसोलेशन होती है आइसोलेशन इज़ अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट जिसमें बिल्कुल दूर रहना पड़ता है एक नहीं बल्कि दो मीटर दूर फासला ज़्यादा अलग कमरे में अलग बाथरूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है फिर भी दो हफ्ते की क्वारंटीन फिर भी उनको करनी पड़ेगी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानी डॉक्टर आतिफ़ आपसे एक सवाल ये करूँगी कि बहुत सारे ये भी केसेस देखे गए हैं कि बुजुर्ग अफराद में कैंसर पाया जाता है क्या उन लोगों के लिए कोई ख़ास एहतियात है जो पेशेंट जिनको कैंसर है आ, उनकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं अफेक्ट हो रही हैं बहुत सारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे थे बहुत सारे पेशेंट्स की रेडिएशन शुआओं से उनका इलाज हो रहा था तो आ, उनके स्केजुअल्स थोड़े से डिसरप्ट होते हैं आ, लेकिन जितने भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो सारे एग्री करते हैं कि अगर ये स्केजूअल के अंदर एक हफ़्ता दो हफ़्ता आगे पीछे हो जाए तो उसके अंदर उनकी ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है लेकिन पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो आ, अपने तौर पे उन पेशेंट्स को क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कीमोथेरेपी या रेडिएशन लगने के बाद बहुत लो हो जाती है तो उनको और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जो हमारे सिंपल एहतियाती तबी तदाबीर हैं उसके अलावा उनको मास्क हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको भी किसी और की तरफ से कोई इन्फेक्शन ना लग जाए जी इसका मतलब है कि कीमो के बाद उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो बहुत उनको एहतियात की ज़रूरत है बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ़ डॉक्टर शरीन मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि आ, बहुत सारे लोग इस यू you नो know, ऐसे हैं बुज़ुर्ग अफराद जिन जो डिमेंशिया का शिकार हैं और उनमें कुछ ऐसी जो न साइंस होती हैं कि वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत यू you नो know, ग़ुस्से हो जाते जल्दी और इस वक्त उनको किस तरह से उनकी निगहदाश्त की जाए जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ज़रूरी सवाल है डिमेंशिया के अफराद डिमेंशिया यानी वो बीमारी जिसमें अफराद चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है तो वैसे ही आ, लोग अपनी निगेदाश नहीं कर पाते और आ, उनकी क्लिनिकल डिटेरेशन होनी शुरू हो जाती है ना उस सूरत के अंदर कई दफ़ा पेशेंट्स ज़िद्दी होने शुरू हो जाते हैं कई दफ़ा वो घर से निकल जाते हैं जिसको हम वॉन्ड्रिंग बिहेवियर कहते हैं कई दफ़ा वो उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है सो so, इस सूरत में सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम क्योंकि डिमेंशिया वाले अफरा भी हाई रिस्क में हैं एट डेवलपिंग कोविड सो आ, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक कंटेन्ड इन्वामेंट में रखा जाए अगर उनको कंटेन करना आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है और आप देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर ख़राब होना शुरू हो गया है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो कुछ चीज़ों पे आपको ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी एक तो ये कि उनकी जिसमानी सेहत कहीं ख़राब तो नहीं होनी शुरू हो गई मिसाल के तौर पर उनको खांसी शुरू हो गई हो या उनको बुखार होना शुरू हो गया हो या उन्होंने खाना पीना अपना कम कर दिया हो अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है तो ज़रूरी है कि उनके जरियाटिक स्पेशलिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट से आप टेलीफोनिक या टेली क्लिनिक के ज़रिए रबते में आएँ और उनको इस चीज़ का बताएँ क्योंकि ये अफ़राद ज़्यादा रिस्क पर हैं आर्ट कंट्रैक्टिंग कोविड सेकेंडली अगर आ, ये चीज़ हम हमें मालूम हो जाती है कि इनकी जिसमानी सेहत ख़राब नहीं हो रही है और ये बिहेवियर सोशल सेटिंग्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है सो so उस सूरत में हमारे टेलीसकटी क्लिनिक्स भी इस वक्त रन कर रहे हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक एंड आप टेली क्लिनिक हेल्पलाइन पर कॉल करके सेकाइट्रस्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगर मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद फिर हम इनकी मेडिकेशंस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी हाँ मैं मैं कहना ही चाहूँगी कि देखें आजकल ये हो रहा है uh, हमारे पास पेशेंट्स uh, की फ़ैमिली इसके कॉल भी आ रहे हैं ईमेल भी आ रही है कि uh, उनके वालद या यू नो फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो हैं जिनको डिमेंशिया है uh, या जिनको कोई और नफसियाती प्रॉम जैसे हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है या डिमेंशिया था तो उनमें बेचैनी या चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है Uh, जैसे uh, डॉक्टर शीरी ने कहा वॉन्ड्रे यानी घर से बाहर निकल जान, जाने भी एक पेशेंट का मुझे कॉल आई थी बेटी की कि वो घर से बाहर निकल गए क्योंकि वॉक पे जाते थे और उन्होंने अटेंडेंट की बात नहीं मानी वो बाहर निकल के चले गए तो ये प्रॉब्लम्स uh, मेरा ख़्याल है कुछ फैमिलीज़ फेस कर रहे होंगे इस वक्त Uh, इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि देखें आपने सेफ्टी uh, को तो बिल्कुल मद्देनज़र रखना है लेकिन आपने साथ में ये भी देखना है कि उनकी रूटीन चूंकि डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से उनकी एजिटेशन में इजाफा हो रहा है तो एक तो फिज़िकल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट तो डॉक्टर शीरन ने बताया वो देख लें कि फ़िज़िकल सेहत में प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन रूटीन की डिस्ट्रप्शन या रूटीन कुछ की चेंज की वजह से भी ये चीज़ें पैदा हो रही हैं डिप्रेशन बढ़ रहा है चूंकि वो अपने लोगों से अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे तो उसके लिए कोशिश ये करें स्पेशली जो लोग जो पेशेंट्स को डिप्रेशन है या जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं उनके लिए और तरीके आ, उनके लिए क्रिएट कीजिए जो यंगर लोग हैं फैमिली में क्रिएट कीजिए ताकि वो अपनी सोशल आइसोलेशन से निकल आएँ जैसे अभी जिक्र हुआ पहले यू नो व्हाट्सएप कॉल से मिला दें वीडियो किसी स्काइप से किसी से उनका लोगों से रबता करवाएं ताकि वो इतना आइसोलेटेड फ़ील ना करें और कम से कम डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स हैं दे माइट फ़ील बेटर विद डैट इस तरह उनको घर के कामों में इंगेज करें जितना हद तक कर सकते हैं अगर उनकी रूटीन वॉक नहीं हो रही तो घर में कुछ कर लें बैल्कनी में चले जाएं छत पे चले जाएं अगर बाग है तो उसमें चले जाएं कहीं ना कहीं ऐसे निकलें ताकि उनको वो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना हो सिमिलरली फॉर द डिमेंशिया पेशेंट्स ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी स्पेस है जो सेफ़ है उनके लिए जहाँ वो थोड़ा सा निकल के हवाई खा लें तो वो ज़रा कोशिश कीजिए कि इंक्रेज कीजिए और फैमिली को फैमिली उनके साथ एंगेज रहे फिजिकली नहीं लेकिन एट ए डिस्टेंस उनके साथ बैठें जहाँ वो खाना खा रहे हैं उनसे दूर थोड़ा होके सब बैठें बातें बातें करें आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर उनको बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ दिया आई थिंक एजुटेशन मजीद बढ़ेगी डिप्रेशन मज़ीद बढ़ेगा बहुत शुक्रिया रखसानी so, like जी सानिया ने बहुत अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई उस इस, इसके अलावा ये कि जो हमारे घर के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको जो है वो हमें जैसे डॉक्टर सानिया ने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हमें इंगेज करना है जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि हमारा जो जिसम का ताल्लुक है वो हमारा ब्रेन दोनों इंटरकनड है सो so, हमें अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है तो अगर हमें बुज़ुर्ग अफराद की अगर एजिटेशन है या गुस्सा है या अगर डिप्रेशन है या उसको अगर कंट्रोल करना है या अगर एटलीस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते तो अगर हमें इसको थोड़ा सा अगर कर लिमिट करना है तो हम जो है वो इन्हें Uh, जैसे कि अपने uh, वो जिससे क्लोज है तो उनसे व्हाट्सएप कॉल या डिफरेंट ज़राए से जो है हमने इनसे uh, uh, अपने घर वालों से जो है वो बात करवा दी इसके अलावा जो है वो अपने पुरानी यादों को जैसे जैसे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जो है वो रेमिनिसेंस थेरेपी कहते हैं उसका जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि वो मिसाल के तौर पे जो है वो अपने uh, uh, अपनी पुरानी और अच्छी यादों को जो है वो याद करें और जो है वो खुश हों जैसे कि वो अपने एल्बम्स देख सकते हैं अपने फोटो एल्बम्स हैं इसके अलावा ये कि इनकी कोई अगर अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट हुई है जैसे अगर इन्होंने कोई मेडल जीता है या किसी भी किस्म की अगर कोई अचीवमेंट है तो वो उसको जो है वो याद करें और फिर वो लम्हा जो है वो एक तरह का जो है वो हमें एक डायवर्जन प्रोवाइड करता है तो फिर इस डाइवर्जन से जो है वो मैंटल हेल्थ जो है वो आ, जो है वो बेहतर होती है और वो जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं और जो जो एजिटेशन है या जो डिप्रेशन है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है लाला ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो रेमिनिसेंस थेरेपी की बात कर रहे हैं कि आप पुरानी बातों को पुराने ऐसे वाक़ात को जो कि खुशगवार हों खुशगवार खुशगवार वाक़ात को याद करके उनको सोचें ताकि वो आपको जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं आपको परेशानियों से थोड़ा दूर कर देते हैं और आप जो है इन सोचों में से दूर हो जाते हैं uh, मेरा अगला सवाल डॉक्टर सानिया के लिए आया है सॉरी uh, डॉक्टर सानिया डॉक्टर शरीन कुछ ऐड करना चाह रही हैं जी जी सो so, इस एक चीज़ जो हमें समझना ज़रूरी है वो ये है कि बुज़ुर्ग इस वक्त बल्दनेबल ज़रूर हैं मगर वो कमज़ोर नहीं हैं और उनके पास जितना एक्सपीरियंस है पूरी ज़िंदगी का उस एक्सपीरियंस को अगर हम इस वक्त इस्तेमाल करें तो वो भी एक तरह से यूज़फुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बन सकते हैं दूसरी चीज़ हमें हर किस्म की फ़ैसला साजी के अंदर उनका मशवरा लेना ज़रूरी है अगर हम उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी चीज़ फ़ैसला करेंगे ये सोचते हुए कि ये चीज़ इनके लिए बेहतर है उस सूरत में मुमकिन है कि आप जो कुछ उनके लिए बेहतर करना चाह रहे हैं वो चीज़ उस तरह से काम ना कर सके तो उनकी इज़्ज़त नफ्स और उनके वकार को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है बहुत शुक्रिया रक्षी दो तीन सवाल आए जिनका मैं थोड़ा सा समअप करके जवाब देना चाहूँगी एक जैसे किसी का ऑपरेशन डिले हो रहा है या कि एक महीने से डिले हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि क्या यहाँ ला सकते हैं ऑपरेशन के लिए या किसी ने कहा कि उनके फ़ादर गिर गए हैं और उनकी जो है हड्डी टूट गई है तो क्या किया जा सकता है मैंने ये बताया दो चीज़ें हमने ख़ास तौर से यहाँ बार, बार बार बात की है एक तो ये कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें और आप जो है मशवरा करें कि आपको क्या करना है जैसे मिसाल के तौर पे जिन्होंने ये सवाल किया है कि अगर इनके वालिद को जो फॉल के बाद अगर हड्डी टूटी है तो ज़ाहिर है आप उनको घर पे नहीं बिठा सकते हैं और जो दूसरी बात मैंने बताई कि आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेफ़ टू विज़िट क्या आप यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने वन विज़िटर पॉलिसी रखी है भीड़ इतनी नहीं है जो आपको कंसल्टेंट क्लिनिक में भी आएंगे तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं होगी कि आप ये कहें कि खुदा ना खास्ता आपके वालिद को या आपके वालदा को ये इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन इस पर शर्त यह होगी ये बात मेरी ये इस पर ना लेके जाएँ कि मैंने कहा कि सेफ़ है ये शर्त ये होगी कि आपको भी प्रिकॉशंस लाजमी हैं कि आपने वो प्रिकॉशंस लाजमी की हैं कि आप जो है ऐसा ना कि किसी की जाके करीब बैठ गए हैं या बात करते हुए बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं या मास्क का इस्तेमाल अगर ज़रूरी है तो वहाँ मास्क नहीं किया मास्क नहीं पहना है तो इन इन एहतियात को सामने रखते हुए आप जिन लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है आप आएँ और अपना डॉक्टर से मुआन करवाएँ चूँकि अब तकरीबन वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं पैनल्स जो मेरे माहरीन यहाँ बैठे हुए हैं किसी को कोई बहुत अहम बात शेयर करनी हो लोगों से जी के तमाम क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है चाहे वो इमरजेंसी रूम हो कंसल्टिंग क्लिनिक्स हो या दूसरे तमाम एरियाज जहां पेशेंट्स को वेट करना होता है आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है और जो वेटिंग एरिया की सीट्स हैं उनके दरमियान प्रॉपर डिस्टेंस भी मेनटेन किया गया है सो ज़रूरत समय की है कि जहाँ हॉस्पिटल अपना पूरा आ, आ, रिसोर्स को यूज़ कर रहा है टू मेनटेन दी प्रवेंटि मेजर्स हम जब हम हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं हम भी उन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें ताकि हम सेफ़ रहें uh, बिल्कुल मिर्जाला आपने सही कहा कि आख़ान यूनिवर्सिटी ने अपने कब सेफ़ बनाया हुआ है और यही मैं बार बार यहाँ बात कर रही हूँ लेकिन इसके बावजूद आपको ख़ुद भी अपनी प्रिकॉशन्स लेनी बहुत ज़्यादा लाजमी है और uh, उन्होंने जो है वो कोविड के हवाले से बहुत सारी फेसबुक लाइव सेशंस देखे होंगे जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो बात की गई है और चूंकि आज का हमारा जो ये सेशन है वो सिर्फ प्योरली जो है वो बुज़ुर्ग अफराद या एल्डरली पीपल का हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं उसके ऊपर है तो हमें ये चीज़ भी जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है वह ख़ुद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और मिसबत सोच रखनी है और हमें जो है वो उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये सिर्फ एल्डरली के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि इनफैक्ट ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पॉजिटिव और मबत सोच रखनी है हमें बहुत ज़्यादा होपफुल रखना है और हर दम और हर वक्त जो है वो हमें जो है वो खुदा को याद करना है क्योंकि आफ्टर ऑल उसी की और अल्लाह की वही वाद ज़ात है जो कि हमें इन तमाम मुश्किलों और इन तमाम तकालीफ़ और इस मुश्किल और टफ़ टाइम से जो है वो हमें निकाल सकती है आ, लेकिन चूँकि हमारा आज का जो ये सेशन है वो ओल्डर या बुज़ुर्ग अफराज के ऊपर था तो ये कि बुजुर्ग अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं फ़ियर का या डर का खौफ का जहनी परेशानी या उसकी वजह से या दूसरी बीमारियों की वजह से जो है वो फ़िज़िकली इनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होप जो है या उम्मीद जो है वो हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करती है तो जितना हम खुश रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे उम्मीद या पुरुद रहेंगे हमारी जो है वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी और हम जो है वो इस कोरोना वायरस से जो है वो आ, लड़ सकेंगे बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी ताकि जो है और ख़ास तौर से जो हमारे माहरीन ने बात की कि बुज़ुर्ग अफराद को इस वायरस के लगने की एक अहम वजह क़वत मदाफत या इम्यूनिटी की कमी है और उसी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना अपनी गजा का ख्याल रखना अपनी जो दवाएं आप लोग ले रहे हैं वो आप बाकायदगी से लेते रहें ताकि आप सेहतमंद रहें और आप महफूज रहें मैं आखिरी आप लोगों से क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है आप लोगों से सवाल करूँगी कि, कि किसी को कोई कंकलूडिंग स्टेटमेंट देना है वरना फिर हम कंक्लूड uh, कर जी ये कि अपनी दवाइयों का ये भी ख्याल रखें कि आपके पास स्टॉक मौजूद हो डिफरेंट गाइडलाइंस बता रही हैं। लेकिन minimum कहते हैं कि दो हफ्तों की घर पे रखें, की सिचुएशन में अक्सर एक्सेस आपका दवाइयों से खत्म हो जाता है बीच में फिर लोगों की दवाइयाँ नहीं होती उससे उनकी जो बाकी बीमारियाँ वो बिगड़ सकती हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया एंड आप सबका बहुत बहुत डॉक्टर नवीद आपको देखिए बुज़ुर्गों में गिरने का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड ये कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं बुज़ुर्गों में जिनको फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता तो उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो प्रिवेंशन है जैसे आइसोलेशन हुई हमने एक्सरसाइज़ की बात की तो ये भी ख्याल रखना है कि उनको उस रिस्क फैक्टर से बचाया जाए जिसमें उनके गिरने का चांस हो उनको ऐसी चोट लगने का चांस हो कि लाजमी अस्पताल लेके जाना पड़े बाकी सर्जरीज़ ऑब्वियसली अस्पताल में हम कर रहे हैं आ खान अस्पताल ने हमने अपने बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर्स को नेगेटिव रूम थिएटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है सिर्फ इसी मकसद से ताकि ऐसे मरीज़ जिनको कोविड पॉजिटिव हो चुका है उनको सर्जरी की ज़रूरत है तो उनको डिनाई ना किया जाए और हम कर रहे हैं सर्जरीज बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नवीदा आपने कि गिरना चोट लगना तो एक बात है लेकिन प्रिवेंशन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें ये बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारे बुज़ुर्ग अफराद को हमें जो है गिरने से चोट लगने से बचाना है ताकि जो है उनको हम मज़ीद कॉम्प्लिकेशन या मज़ीद परेशानियों में ना डालें इसके साथ अगर कोई और कमेंट नहीं है तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं बहुत शुक्रिया है आप लोगों का और उम्मीद है कि हमने आपके सवालों के जवाब दिए और आप लोगों को हमारी जो माहरीन ने आप लोगों की जो है अच्छी गाइडेंस की है इन हमारे बुज़ुर्ग अफराद उनकी बेहतर तरीके से निगहदाश्त कर सकते हैं बहुत शुक्रिया